एक आजकल वीडियो में लोग बोलते पिचाने में 1016 लीटर दूध, मेरा गांव लगा लो, किसी की वीडियो लगा लो, पिचाने में 1000 में 16 लीटर दूध, 17 लीटर दूध, किसकी भैंस एक दस में भी 16 लीटर दूध देती है तो वो मेरे डेयरी पे छोड़ जाकर नगद पैसे ले जाएगा। अच्छा, बूरी भैंस आज 4-5 दिन की ब्याई है जी। ये बूरी भैंस बिक्री के लिए? बिक्री के लिए है। ठीक है, क्या कुछ जानकारी? 13 लीटर दूध आज है जी, 5 दिन की ब्याई में जी, 15-16 लीटर दूध करेगी, कल शाम को हमारे घर पे आई बूरी भैंस। आप यहाँ पे देखिएगा सेकंड टाइमर, 13 लीटर दूध मौके पे तैयार बता रहे हैं, 15 लीटर जो दूध है वो करेगी। लालपन आप देख लीजिए, काफी जबरदस्त। तो आज की जो पीढ़ी इस तरह का काम कर रही है, क्या कुछ कहोगे, क्या कुछ? ये आज की पीढ़ी काम कर रही है, भाषा विरोध रखे काम कर रही है, अच्छे है, प्रेम भाव से, हम तो प्रेम भाव से धंधा करने वाले आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये एक दूसरे का भाई भाई का वो इधर से उधर कर रहे हैं, अच्छा नहीं। नहीं वो तो गलत है ताऊ जी, वो गलत। मैं एक बात कहूंगा, आप लोगों से ना हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, आपने सारी जिंदगी लगा दी इन भैंसों के पीछे, है ना? किन्हीं आनी जानी नहीं है, ये करो पांडवानी यात्रियां करे तो आनी जानी नहीं है। बिल्कुल, प्रेम मिलजुल के रहे ना, एक दूसरे पास माल पूरा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बोले बाहर चलो वो चलो, गांव में माल पूरा होता है तो बाहर क्यों जाओ, ट्रांसपोर्ट लगेगा, गड्डी का ट्रांसपोर्ट लगेगा। सही सही बात है। तो आज की वीडियो मुर्रा का गढ़ कहे जाने वाले जिला हिसार के गांव मिंगनी खेड़ा से काफी स्पेशल वीडियो आज की होने वाली है। लगातार 20 भैंसे यहां से लोड होकर के जा रही हैं, यानी कि दो गाड़ियों का जो लोड है वो आप सब पशुपालक भाइयों को दिखाएंगे। पशुधन आप देख सकते हैं बिल्कुल ताजा ब्याय हुआ, साथ में जो नन्हे शिशु जो तरोताजा काफ्स हैं वो इन भैंसों के आप देखिएगा। भरापुरा डेयरी फार्म, कुलदीप डेयरी फार्म पे आए हैं, कुलदीप और बंसी भाई हैं हमारे, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। आज का लोड एक ऑनलाइन लोड है और कुछ एक भैंसे हैं जो हैदराबाद और कोल्हापुर के लिए, मैं कहूँगा 20 भैंसे यहाँ से रवाना हो रही हैं। तो कुछ कस्टमर कुछ ग्राहक भी यहाँ पे आए हैं, लगातार जो भीड़ है वो इनके डेयरी फार्म की तरफ बढ़ती हुई। 2 से 3 वीडियो पहले भी हमने कवर करी हैं, तो सीधा लेकर के चलेंगे कुलदीप भाई के पास, जानेंगे डिटेल्स। नमस्कार कुलदीप भाई। नमस्कार सुनील भाई, कैसे हो जी? ठीक है जी। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो आपको भी इतना अच्छा पशुधन आपने दिया इनको। आपका चैनल देखने वालों को भी हमारी तरफ से राम राम जी। जी ये कोल्हापुर सिरडून गाँव से आए हैं। ठीक है जी। 9 आदमी इधर आए हैं, 3 दिन हो गए आगे इधर। बहुत बढ़िया। 2 से 3 टाइम दूध निकाल के इन्होंने अपनी भैंस अपनी पसंद से खरीदी है। ठीक है ठीक है। ये गोकुल दूध संघ है महाराष्ट्र में जी, तो उनके मार्फत से इधर आए हैं जी। ठीक है। तो इन्होंने अपनी पसंद से भैंस खरीद ली है, जो इन्होंने पसंद किया हुआ इनके हिसाब से दिलवाई है। हमने जो कोशिश करी कम से कम रेट में इनको भैंस मिले जी। जी बाकी कस्टमर को कैसा इधर व्यवहार हुआ खुद ये बताएंगे, वो तो खुद ही बता देंगे। हाँ जी। तो कस्टमर रिव्यूज सबसे पहले जानते हैं। सर नमस्कार है आपको। नमस्कार जी, शुभ नाम बताएं प्लीज। मैं मराठी हूँ। हाँ मराठी। हाँ मराठी में आप बोल सकते हैं। महाराष्ट्र से कोल्हापुर जिला है जी। महाराष्ट्र से कोल्हापुर जिला है जी। जी जी। शिरोळ तालुका। शिरोळ तालुका। ठीक है। आम्ही आता सध्या इथं कुलदीप भाई जी यांच्याकडे मसर घेतलंय, महेंद्र डेअरी जी हिसार में। आणि आम्ही आता जाणार आहे शिरडोनला मसरी घेऊन। इथं मसरी घेतलंय आम्ही, 16-17 लिटरची मसरी घेतली आहे आता सध्या, 10-20 जण आम्ही आहे सध्या, 20 मसरी घेतलंय। त्याच्या आधी पण जवळजवळ 3 वेळा आलंय आम्ही, 2-3 वेळा येऊन मसरी घेतलंय, सगळी मसरी चांगल्या लागल्यात आम्हाला। आणि आता 3 टाइम दूध बघून कोणती भयांच्याकडं 16-17 लिटर दूध आम्ही स्वतः डोळ्यानं बघितलं आणि त्या हिशोबाने आम्ही घेऊन चाललोय आता। आणि ह्याच्या आधी जवळजवळ 3 वेळा आम्ही मसर नेले, 20-20 मसऱ्यांचं लॉट नेले, 2-3 लॉट ती मसर घेऊन आम्ही आता सगळी व्यवस्थित लागल्यात ती मसर। आता आम्ही गोकुळ डेअरीकडं आणि परत आज 20 मसर खरेदी केले, 3 दिवस झालं दूध बघाले, सकाळ संध्याकाळ दुपारा 16-17-18-20-14-15 ह्या हिशोबाची सगळी आम्हाला शेतकरी लोकांनी कसली लागतात ती मसर आम्ही घेतलंय, सगळी मसर ह्याच्या आधी पण चांगलं लागल्यात आणि आता जी घेतलंय आम्ही डोळ्यानं बघितलंय त्या पद्धतीनं आमची मसर दूध। भाइयों अपने पशु का दूध बढ़ाने के लिए, अच्छे पसाव के लिए और टीका छुड़ाने के लिए LDM के साथ मिल्क मास जेस की गोली जरूर दें। और हाँ आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट और Amazon से, और यह दोनों हरेक मेडिकल स्टोर पर भी उपलब्ध हैं। दिल्या 16-17 लिटर कुलदीप भाई आम्हाला 15 लिटरची गॅरंटी दिली आहेत, 16-17 लिटर दूध दिल्यात ती मसर आमची, त्याप्रमाणे आम्ही मसर सगळं। तो कुलदीप भाई ने आपको 15 लिटर की गॅरंटी दी है, 16-17 लिटर आपने दूध यहाँ पे निकाल के देखा, 3 टाइम का दूध देखा है, संतुष्ट हो। 20 मसर ही आमची आहेत सगळी, ही मसऱ्यातले ह्या मशीला आमच्या 15 लिटर दूध सांगितले तिथे। अच्छा। डोळ्यानं आम्ही 3 टाइम 16 लिटर दूध काढले, पण त्यांनी गॅरंटी आम्हाला 15 लिटरचं दिली जी। जी आता त्या मशीचं आम्हाला 20 लिटरची गॅरंटी दिल्यात, येऊन 5-6 दिवस झाले ते मस आता सध्याला 16-17 लिटर दूध आहे। आपसे सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, इस डेयरी फार्म पे पहली विजिट है आपकी?
नहीं तो आधीपन आम दो दो तीन बार लेकर के जा चुके चार पांच वर्ष इतना मसर ठीक है तीसरा टर्न आम जितनी भी भैंसे आप लेकर के गए हो कभी कोई शिकायत का मौका पंद्रह लीटर दूध संगित आम सोलह सत्रह लीटर दूध दिल ठीक है संगता कमी संगित मसर सगे दूध जास्त दिल ठीक है कुलदीप भाई महेंद्र डेरी इतना घर हिसार मध्य दूध का कामकाज है आपका वहाँ पे दूध बेचते हो दूध बेचते हो क्या भाव बिकते आता है अपना हमारा कुलदीप भाई मेरे को लग रहा है भाइयों के साथ ना मैं कई जगह चीजें फेस करता हूँ मेरे को मराठी सीखनी पड़ेगी थोड़ी नहीं वो भी अच्छी है ना दूसरा एक मिनट और इधर आप आए हो रहने खाने का व्यवस्था और ना जेवण नाश्ता राहायला आंघोळ पाणी जे आहे ते सगळं व्यवस्थित आमच्या घरच्या पेक्षा भी जास्त केलं घरच म्हणून समजा आमचं हे घरच स्वतःच घर असल्यावर आम्ही आता चौथा दिवस आहे आज बहुत बड़े उद्या जाणार आहे आम्ही पूर्ण आमच्या घरात असल्यावर हे आमचंच घर आहे असं वाटलंय मला चौथा दिन है खाने पीने की उत्तम व्यवस्था घर जैसा काम है हमारे चेयरमैन साहब आओ आप भी बोलो तो सर है एक और हमारे साथ सबसे पहले सर नाम बता दीजिए मेरा शुभ नाम है प्रसाद महादेव मुजगुंडा प्रसाद महादेव तो क्या कहोगे प्रसाद जी सोडन गांव का रहवासी हूँ सोडन गांव है कोल्हापुर में जी कितनी भैंसे लेकर के जा रहे हो मैं यहाँ से 10 भैंसे लेने वाला हूँ लेने वाले आज ही आए हो आज ही आए 29 तारीख को 29 तारीख को आए थे तो भैंसे कुछ सेलेक्ट कर अलग अलग ग्रुप है ना भैंसे कुछ देखी है कुछ देखे भरपूर देखे फाइनल करीबी हमको भरपूर भैंसा दिखा है ठीक है उसमें हमारे दूध उत्पादक पसंद क्या है उसमें अच्छा ये रिव्यू मैं इसलिए ले रहा हूँ सर क्योंकि देखो मेरी बात को भी झूठा साबित हो सकते हैं बंसी भाई को भी झूठा लोग साबित कर देंगे लेकिन आप जो अपने विचार रखोगे ना ये झूठे नहीं हो सकते क्योंकि इतनी दूर से आप पैसा लगा करके यहाँ पे आते हो पैसा लगा करके फिर पशु लेकर के जाते हो जो बातें आप बताओगे आपकी बातों के ऊपर लोग भरोसा करेंगे और हम तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं आपको है ना गलत बोलोगे तो नुकसान होगा सही बोलोगे तो फायदा होगा है ना जो है वो बात है वही बतानी चाहिए है ना जी जो अच्छा है वो अच्छा बताना चाहिए ठीक है कुलदीप भाई से संतुष्ट हो संतुष्ट है रहने सहने की कैसी सुविधा है उत्तम सुविधा है क्या घर में रहने रहता हूं वैसा ही इधर है चलिए तकलीफ वगैरह नहीं है ठीक है सर अच्छा है चलो सर बार बार शुभकामनाएं और कुछ बोलना चाहे बताना चाहे बताओ सर शुभ नाम बताए प्लीज शुभ नाम राव साहब कल्लप्पा चोगले कहाँ से आए महाराष्ट्र से जी जी सबसे महंगा मैसेज उन्होंने लिया कितने का 1,60,000 1,60,000 का क्या चलाते हो सर डेयरी चलाते खटखड़ गांव जींद से लिए भी बताओ जी अच्छा नसीब भाई के यहाँ से हाँ नसीब भाई ने दिलवाई है खटखड़ गांव जींद नसीब सिंह खटखड़ हाँ जी उन्होंने दिलवाई है जी ठीक है तो कैसी भैंस है 1,60,000 रुपए कितना दूध आपने देखा उसमें वो तीन दिन की बेखी है 1,300 किलो की है कितना दूध दे देगी बंसी भाई आराम से देखो मालिक ने तो शास्त्री है खटखड़ गांव का जिस नसीब ने दिलवाई है ठीक है हमारा मिलने वाला किसान है वो बिल्कुल उसके घर में 18-19 पिछली बार दूध दे रखे हमने बच्चे कसम खा के दी उसने नहीं कसम तो सर खाने भी नहीं चाहिए मतलब उसका आइडिया था 20 लीटर का फिर भी मैंने इनको कहा 17-18 लीटर तुम्हारे आराम से देगी ठीक है ठीक है खोल के लिया मैसरे तो 17-18 लीटर दूध पूरी पूरी गुंजाइश पूरी पूरी गारंटी जितने भी आप लोग आए हो सबको बार बार शुभकामनाएं मैं तो कहूंगा आप ऐसे ही आते रहो चाहे बंसी भाई के पास आओ चाहे हरियाणा प्रदेश में कहीं पे भी आओ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा पशुधन लेकर के जाओ किसी एक चीज और एक बोलना चाहूंगा जी जी एक आजकल वीडियो में लोग बोलते 95,000 16 लीटर दूध मेरा गांव लगा लो कोई सी की वीडियो लगा लो 95,000 में 16 लीटर दूध 17 लीटर दूध किसकी भैंस 1-10 में भी 16 लीटर दूध देती है तो वो मेरे डेयरी पे छोड़ जाकर नगद पैसे ले जाएगा अच्छा चलिए मेरी हाँ ये बात बता देता हूँ देखो सबके आप अपने विचार हैं सबका आप अपना सेल परचेज का काम है कुलदीप भाई कोई किसी तरह सबका थोड़ा सा लिमिट वाला काम चलना चाहिए किसी पर्टिकुलर इंसान को टारगेट करना मैं कहूंगा ठीक नहीं है जो आदमी 16 लीटर दूध मेरे को नपवा के देगा 95,000 कह रहे हैं उसको 1-10 दूंगा और मेघनी खड़ा बस स्टैंड पे दूंगा ठीक है डेयरी में भैंस बाद में उतार देगा तो देखिए इस तरह की बातों क्या हमारा चैनल कोई पुष्टि नहीं करता साफ सुथरा पशुधन दिखाते आए हैं दिखाते रहेंगे ये भैंस 1,60,000 रुपए की 1,60,000 परसों खरीदी थी इससे खाली करी ठीक है ब्याज कौन सा है इसका दूसरा ब्याज जी दूसरा ब्याज पशुधन आप देखे लांड पांड पूरा जबरदस्त पीठ बॉडी वेट कदकाठी आप देख लीजिए काफी काफी बेहतरीन काफी शानदार प्योर खाली है जी भी जेट ब्लैक टेल में आज वीडियो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के दिन मैं दोपहर के समय यहां पे 10 से 11 बजे के करीबन जो कवर है वो कर रहा हूं ऑलमोस्ट जो पशुधन है वो आप यहां पे देख सकते हैं तो क्या कुछ दूध कुलदीप भाई साहब इसने देना चाहिए देखो जी मालिक ने 20 लीटर बताया कन्फर्म हमारे को लेकिन मैंने इनको बताया 17-18 लीटर दूध तुमको आराम से देगी 17-18 लीटर दूध इसने अभी खाली देना खाली होते में भी 13-14 किलो खीस है इसमें चलिए सर बहुत बढ़िया और कौन कौन सा पशुधन दिखाएंगे खोल खोल करके सारा दिखाएंगे
एक और झोटी निकल करके आ रही है, बता दीजिए। इसमें भी 17 लीटर दूध चालू है। ब्याज कौन सा है सर? इसका सेकंड लैक्टेशन है, 17 लीटर। सेकंड लैक्टेशन 17 किलो जो दूध है वो चालू है, स्टार्ट है जी। ठीक है, ये आज 9-10 दिन की ब्याई है जी। तो बच्चा नीचे इसके फीमेल काफ है जी। फीमेल काफ कदकाठी आप इसमें भी देख लो। सिलेक्शन से भरपूर जो पशुधन है वो आपको इस डेयरी फार्म से, क्योंकि CIRB से लगता हुआ इलाका, लगता हुआ जो एरिया है वो, और यहाँ मुर्रा की खान इस गढ़ को कहा जाता है। काफी अच्छी भैंसे आपको देखने को मिलेंगी। पशुधन आप देख लो, जबरदस्त अर्डर, जबरदस्त जो कदकाठी सेकंड लैक्टेशन में। एक और ब्यूटी वाला जो पशुधन है आ रहा है, क्या कुछ डिटेल्स हैं? इसमें 15 से 16 लीटर दूध चालू है जी। तो ब्यात इसका सेकंड लैक्टेशन 6 दांत है जी। सेकंड लैक्टेशन में पैरों के बीच का टाइट अर्डर, दांतों में 6, पीठ बॉडी वेट आप देखिएगा, काफी काफी बेहतरीन जो पशुधन है वो। और न सिर्फ हैदराबाद, न सिर्फ कोल्हापुर, बल्कि दूसरे राज्यों के जो बायर्स ऑल इंडिया लेवल पे इस डेयरी फार्म का काम शुरू से लेकर के लास्ट तक रहा है। सर इनकी एक बात और बता दो, खरीद है जी 1,05,000 से लेके लास्ट एक में से 1,60 को है, बाकी 1,15, 1,20, 1,25। अच्छा, ऐसा है जी। ठीक है, 1,05,000 से लेकर के 1,60,000 तक की भैंसे, शानदार जो डेवलप्ड थनों के कूप, अर्डर क्वालिटी आप देखिएगा, पीठ बॉडी वेट सेकंड टाइमर में जबरदस्त जबरदस्त। एक और पशुधन है कुलदीप भाई साहब, ये साइज में जरूर छोटी है जी, सेकंड लैक्टेशन है। हाँ। दूध का परफॉर्मेंस थोड़ा इंग्लिश कम आती है मेरे को जी, 15 लीटर प्लस करेगी दूध का परफॉर्मेंस। हाँ जी, कह रहे हैं 15 लीटर प्लस जो दूध की कैपेसिटी है वो रहने वाली है। 12 लीटर दूध है जी, खीस से खाली होती है। मीडियम हाइट में अडर देख लीजिए, पैरों के बीच का टाइट अडर, खीस से खाली होता हुआ पशुधन। माइनस पॉइंट है तो सिंगों का खुलापन। दूसरा हाइट मीडियम है, काफी जबरदस्त भैंसे दे रखी हैं। अगला पशुधन आने दो भाई, ये भैंस लिए न्योली कला से 1.5 लाख की जी। न्योली कला आपका डिस्ट्रिक्ट हिसार में? हाँ, डिस्ट्रिक्ट हिसार में जी। 17 लीटर 2-3 टाइम निकाल के लिया, 17 लीटर दूध 2-3 समय का देखा हुआ, कन्नीदार सींग आप देखिएगा, पीठ बॉडी वेट आप देखो। कौन सा ब्यात है सर? सेकंड लैक्टेशन है, सेकंड लैक्टेशन में जबरदस्त कदकाठी, जबरदस्त 1.5 लाख की पशुधन है वो। 1,50,000 रुपए इस लोड में, 1,60, 1,50 की दो भैंस है, दो भैंस है, बाकी 1,05, 10, 15, 20। चलिए सर बहुत बढ़िया, अगला पशुधन जी खोलो। तो ये देखो सारी सिलेक्टेड भैंसे, जबरदस्त जो लांड पान, हर तरीके से अच्छी जो भैंसे हैं वो निकाल निकाल करके, इसकी क्या कुछ जानकारी है? 15 लीटर ऑर्डर, थोड़ा अंदर साइज का इसका जी, दूध 15 किलो कांटे का तैयार है। ठीक है, तो 15 किलो दूध, ब्यात कौन सा रहेगा सर? इसका तीसरा ब्यात पकड़ लो जी। कितने दिन की ब्याई है? ब्याई आज 9-10 दिन की होगी। 9-10 दिन की में 15 किलो दूध पशुधन बोल देते हैं कि 4 दिन की ब्याई 16 किलो दूध, वो बात थोड़ी सी जमने वाली नहीं होती है जी, दूध 10-12 दिन की भैंसी दूध तैयार करती है। ठीक है, तो और पशुधन कौन सा वाला दिखा? सारा दिखा, लाइन से दिखाओ, सारा खोलो, देखिएगा जबरदस्त जो अर्डर क्वालिटी आप देख लो। कुछ एक है इनके फार्म पे अभी अभी गाड़ियों से उतर ही रही है, ये तो इसकी क्या कुछ डिटेल्स? सेकंड लैक्टेशन है, 15 लीटर दूध है जी। दूसरे ब्यात में एक और बफलो देखिएगा, 15 लीटर दूध, पैरों के बीच का टाइट अर्डर, जबरदस्त जो अर्डर क्वालिटी है उसमें दे रखी है। क्या कुछ दूध दे देगी कुलदीप भाई? ये 16-17 आराम से देगी, 16-17 लीटर दूध इसने देना चाहिए। हाँ, कापड़ो गाँव से आई, हिसार जिले से, कापड़ो हिसार। एक और पशुधन अर्डर में फर्क है इसमें? नहीं, वो थोड़ा आगे के थन थोड़ी भारी पड़ते हैं। अच्छा, क्या कुछ जानकारी है इसमें? 17 लीटर दूध है जी, ये भी कापड़ो गाँव से आई है जी। 17 लीटर दूध, ब्यात कौन सा रहेगा सर? सेकंड टाइमर। एक और जो पशुधन है वो आप देखिएगा, पीठ बॉडी वेट और अडर आप देख लीजिए, शाम के टाइम पे जो जोश है जबरदस्त देखने को मिलेगा। तो क्वालिटी वाली भैंसे इस डेयरी फार्म ने दे रखी हैं, काफी अच्छा जो पशुधन है वो इस फार्म से दिखा रहा हूँ। वर्षों पुराना अनुभव, पहले जो इनके फादर साहब थे वो काम करते थे, आज कुलदीप भाई हैं, पूरी जो मैं कहूंगा डेयरी की कमांड है वो संभाल रखी है। बूरी भैंस आज 4-5 दिन की ब्याई है जी। ये बूरी भैंस बिक्री के लिए, बिक्री के लिए है। ठीक है, क्या कुछ जानकारी? 13 लीटर दूध आज है जी, 5 दिन की ब्याई में जी, 15-16 लीटर दूध करेगी, कल शाम को हमारे घर पे आई। तो ब्यात कौन सा रहेगा इसका? ब्यात सेकंड है जी। तो बूरी भैंस आप यहाँ पे देखिएगा, सेकंड टाइमर, 13 लीटर दूध मौके पे तैयार बता रहे हैं, 15 लीटर जो दूध है वो करेगी। लांड पान आप देख लीजिए, काफी जबरदस्त। क्या कुछ मोल भाव इसका रखोगे? ये 1,25 की देनी है जी। 1,25,000 रुपए जो कीमत, जो कोस्ट है उसमें भाई ने देनी है, काफी अच्छी जो भैंस है वो। अगला पशुधन आने दो, हैदराबाद जाएगी ऑनलाइन में जी। हैदराबाद, ये 12 लीटर की गारंटी में हैदराबाद जा रही है जी। 12 लीटर दूध की गारंटी में पशुधन आप देख सकते हैं, हैदराबाद के लिए रवाना होगी। कितने दिन का ब्याह हो गया ये? 4 दिन, खीस से खाली हो गया, खीस से खाली। ब्यात कौन सा है? ब्यात तीसरे का, तीसरे ब्यात का। एक जोटी अंदर दिखा सर, इस साइड वाला। ये कैसा? ये भी सेम पशुधन ऐसे ही है? हाँ,
ठीक है, इसमें भी डिटेल्स बताओगे या? डिटेल बताएंगे जी। हाँ, ये सब भैंसे मतलब 1 लाख से लेके 1-15 के बीच की है। ठीक है, खोलने की जरूरत कोई नहीं, इनको मीडियम साइज की है जी। तो ये हैदराबाद जा रही है सारी, सारी की सारी हैदराबाद जा रही है। इन ग्राहकों की 2 भैंस आनी अभी बाकी है। हाँ, तो थोड़ा टाइम का सेटिंग नहीं होनी, वो भी आ जाती है। ठीक है, एक बफलो अंदर बाप बता रहे हो, तो अंदर की व्यवस्था देख लीजिए जी। अंदर का शेड काफी साफ सुथरी जो व्यवस्था है वो मैं कहूंगा। और एक जो बफलो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या कुछ जानकारी है जी? ये खीस से खाली हुई संदीप भाई, आज खीस से खाली हो रही है। हाँ, ये कोल्हापुर जा रही है। ठीक है सर, कोल्हापुर के लिए रवाना। 10 लीटर अभी भी दूध है, सेकंड लैक्टेशन, 6 दांत है जी। बहुत बढ़िया। तो ये किस भाव में दिए आपने? ये 2 दिया जी, 2,35,000 को। 2,35,000 रुपए इसकी जोड़ी वाली बार बन रही है जी। ठीक है, वो भैंस ले रहे घरवाली खोल के। तो एक और घरवाली भैंस पिछली वीडियो में भी आपने दिखाई थी वो। हाँ, दिखाई थी, तैयारी करने लगी जी वो। ठीक है, 15 दिन में। 15 दिन जो बचे हैं, समय है जो काविंग करने का वो, और घर का पाला हुआ पशुधन, क्या कुछ जानकारी डिटेल्स? दूध तो 20 लीटर करना है, दूध का कोई मैटर ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ले जाओ भाई लास्ट तक। तो ब्याज कौन सा रहेगा? ये दूसरी बार ब्याहोगी, 6 दांत है जी, दूसरी बार काविंग करेगी। बफलो आप देख लीजिए, आर्डर धीरे धीरे करके संभाल रही है, 15 दिन का समय काविंग में बचता है। बात करें मोल भाव, क्या कुछ कीमत? कीमत तो बताई थी इसकी, 1.5 लाख है जी। 1.5 लाख रुपए। हाँ, पिछले वीडियो के हिसाब से 45 लगे भी थे। हाँ हाँ, फिर वहाँ देने 1.5 लाख की वो मन बना रखे। ठीक है, ठीक है। तो एक इस गाय में 16-17 लीटर दूध है जी। एक गाय भी दिखा रहे हैं यहाँ से, 16-17 लीटर दूध मौके पे तैयार। ब्याज फर्स्ट टाइमर है ये? हाँ, सेकंड है जी। सेकंड टाइमर। हाँ, 55,000 रेट है जी। 55,000 रुपए। कितना दूध दे देगी कुलदीप भाई साहब? देखो जी, 17-18 लीटर दूध आराम से देगी। ठीक है, ठीक है। 4 दिन की ब्याई हुई जी। जी जी। तो अपने यहाँ पे जैसे अब श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? देखो जी, मैं तो ऐसा आदमी हूँ ना, तो मैं तो ना तो हिंदू मुसलमान में फर्क अपना। हम तो सबके जाते हैं, सब मंदिर में जाते हैं, मस्जिद। मैंने देखो कुलदीप भाई साहब, हम पूरी दुनिया घूमते हैं, पूरा हरियाणा घूमते हैं, काफी जगह ये चीजें देखने को मिलती हैं कि श्राद्ध में लोगों की ना खरीद थोड़ी सी कम। सबकी अपनी सोच है जी। अपने हमारे पास अभी 5 गाड़ी का ऑर्डर और बुक पड़े हैं। अच्छा, ठीक है। जो कस्टमर उसमें से कुछ आने वाले, 2 लोड ऑनलाइन मंगा रहे हैं जी। जी जी। इसके अंदर ही 1-5 भैंस का ऑर्डर है, 6 भैंस का कराड़ से आया हुआ है। हाँ, वो पेंडिंग में पड़े हैं। ठीक है। तो इनका कल माल बीच में आदमी आ गए थे जी। 10 आदमी आओगे तो इनको मेंटेन करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। कराड़ वाले तो हमारे घर के सदस्य है, उनको 4 दिन बाद भी चली जाए। सही बात है भाई। तो चलिए सर, बार बार शुभकामनाएं आपको, काफी अच्छा काम कर रहे हो। महेंद्र ताऊजी है हमारे, काफी दिन के बाद मिले। सबसे पहले ताऊजी नमस्कार है आपको। नमस्कार भाई। कैसे हो? ठीक हो? तबीयत ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, कितने टाइम से जो काम है कर रहे हो, अब कैसा काम चल रहा है? 1972 से कर रहे हैं, उससे पहले देश आजाद है, मेरे पिताजी कर रहे थे जी। उसके बाद में 1972 में मैं लग गया था। ठीक है, 15-17 साल। हाँ हाँ, आज ये देखो कितने, 28 और 23, 51 साल। तो रेल भी भरी है? हाँ, रेल भी गई। रेल भी भरी? हाँ, कलकत्ते गई है। अच्छा, गाड़ियाँ कितनी भैंसे डाली रेल में? 15-20 4-4 डब्बे इकट्ठे भरे, कई दफे भरे हैं। अच्छा, 80 से 90 तक के दशक में रेल चलती थी। रेल चलती, मुंबई भी गई है। हाँ, कलकत्ता भी गई। सरदार जोत सिंह के बाद में ये ट्रका में आना जाना हो गया। हाँ हाँ, कलकत्ता रेल ही जाती थी। तो आज की जो पीढ़ी इस तरह का काम कर रही है, क्या कुछ कहोगे? क्या कुछ ये आज की पीढ़ी काम कर रही है, भाषा विरोध रखे काम कर रही है, अच्छे है, प्रेम भाव से। हम तो प्रेम भाव से धंधा करने वाले आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये एक दूसरे का भाई भाई का वो इधर से उधर कर रहे हैं, अच्छा नहीं। नहीं, वो तो गलत है ताऊ जी। हाँ, वो गलत। मैं एक बात कहूंगा, आप लोगों से ना हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आपने सारी जिंदगी लगा दी इन भैंसों के पीछे, है ना? किन्नी आनी जानी नहीं है। हाँ हाँ, ये करो पांडवाणी यात्रियां करे तो आनी जानी नहीं है। बिल्कुल, प्रेम मिलजुल के रहे ना, एक दूसरे पास माल पूरा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बोले बाहर चलो वो चलो, गांव में माल पूरा होता तो बाहर क्यों जाओ? हाँ, ट्रांसपोर्ट लगेगा, गड्डी का ट्रांसपोर्ट। सही लगेगा। सही बात है। तो ऐसे भावना, दूसरी हीन भावना से काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम हमारे टाइम में हीन भावना, मैं मेरे हाथ से, जब मेरे हाथ में पावर थी ना, मैं पहले गांव से पूरा होता था, उसके बाद कमी होगी तो मात्र से हम 3 किलोमीटर सलेमगढ़ सीसवाड़ तक ही माल पूरा। अब भागेंगे 100 किलोमीटर, ट्रांसपोर्ट गाहक आ गए, नए आदमी, इनके 2,000 रुपए गड्डी के लग गए, 2,000 भैंस लेने, 4,000 अलग से खर्चा करवाते हैं। सही सही बात है ताऊ जी। और हम तो यही पूरा हो गया, 5-10 रुपए में सलेमगढ़ काबरेल की आती थी हमारे टाइम में तो। अब गाड़ी में चढ़ेगी 300-400 बिना पाया, गाँव से ही हम ऐसे गाड़ी में आवे, 300 रुपए दे उनको उतरते। तो मेरे ख्याल में हर जगह हर एक कोने में आपकी जान पहचान है। हाँ, जान पहचान, सारे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। दूर दूर से आते लोग, अपने आप ही जान पहचान तो अपने आप बढ़ती रही। जी जी जी। रोहतक करे पहले 20 साल, 5-10 साल से अपने घर में कर रहे हैं, रोहतक थोड़ा खर्चा ज्यादा गिर गया, बिल्कुल इसलिए छोड़ दिया। चलिए ताऊ जी, बहुत अच्छा काम है। क्या नहीं बोल गया संदीप? हाँ जी कुलदीप भाई, हमारे डेयरी फार्म से जैसे हम बाहर से भैंस दिलाते हैं तो 2,000 रुपए पर भैंस का कमीशन लेते हैं।
हमारे डेयरी से कोई भी अगर फार्मर आके या कोई ग्राहक आके भैंस खरीदेगा तो उसका यहाँ का कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं है, रहने खाने का नहीं है, भैंस का कमीशन का चार्ज नहीं है और उनका कोई एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, गाड़ी में घुमाओगे तो पेट्रोल उनको डलवाना पड़ेगा, गाड़ी में बाहर घुमाओगे तो पेट्रोल उनका जलेगा। जी जी, ट्रांसपोर्ट कोई फ्री नहीं है। फिर बताता हूँ, कोई वीडियो चल रही है दो चार ट्रांसपोर्ट फ्री वाली है, फरौड़ बातें हैं सारी। अच्छा, ट्रांसपोर्ट किसी का फ्री नहीं है, मेरे से खरीदो किससे भी खरीदो ट्रांसपोर्ट फ्री। भाई साहब अभी आप 2000 कमीशन लोगे और 15000 का ट्रांसपोर्ट फ्री नहीं दे सकते। दो चार कॉल मेरे पास आई, बोले आपके गांव में लगा लो बाहर वो दे रहे ट्रांसपोर्ट फ्री, तो मजी 2000 कमा के 17000 का ट्रांसपोर्ट फ्री कौन देगा, कौन सा फार्मूला है ये बात बता दी। यहाँ से खरीदने में कमीशन भी नहीं है। जी जी, इन्होंने 6 भैंस मेरी डेयरी से ली है, 4 बार से ली तो 4 बार वाले का कमीशन लिया है। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात। भाई ने मैं कहूंगा बताई है कि जो भी कंडीशन, जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको वीडियो के माध्यम से बता दी गई है। अच्छी और उच्चतम क्वालिटी की भैंसों के लिए इस डेयरी फार्म पे आप एक बार जरूर विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो थी जिला हिसार के गांव मिंगनी खेड़ा से महेंद्र डेयरी फार्म, और मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा जो पशुधन का कामकाज है वो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।